कितना तगड़ा व्यू है ये देखो गाइस। और ये रही यहाँ मैगी वाले बैठे हैं, मैगी खाने का मन तो है बट अभी टाइम नहीं है, लेट हो रखा है। निकलते हैं गाइस अभी यहाँ से। तो गाइस अभी पेट्रोल भर रहे हैं, 900 कर दो भैया, पूरा पूरा ऊपर तक भर दो, जितना जाए भर दो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो मोटो व्लॉग के ऊपर रहेगी, आप सबका स्वागत है इस व्लॉग पे। और टाइटल देख के आपको समझ आ गया होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो गाइस फाइनली मैं अपने रूम से निकल गया हूँ, अभी हम जाएंगे सीधा कसौली के तरफ। आप सबने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो चलो गाइस राइड को अभी इंजॉय करते हैं। अभी हम आ गए हैं पेट्रोल पंप में, पेट्रोल भर रहे हैं, फुल टैंक करेंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। और मेरे साथ मेरा ये दोस्त हनी भी है, ये भी जा रहा है मेरे साथ कसौली घूमने के लिए। अभी भर लिया और यहाँ से इंडियन ऑयल से पेट्रोल भी भर लिया और अभी सीधा निकल रहे कसौली के लिए। और दिल्ली के ट्रैफिक आप सब देख ही सकते हैं गाइस, जो दिल्ली में रहते हैं उनको तो पता ही है दिल्ली की ट्रैफिक कितनी होती है। तो फाइनली गाइस हम नेशनल हाईवे में आ गए, अभी चंडीगढ़ का बोर्ड दिखा वो देखो। और यहाँ से अभी हमें सीधा जाना है और एक कचड़ों का पहाड़ देखो गाइस। वाओ ब्यूटीफुल। तो गाइस इतने देर बाद जाके थोड़ा ढंग का रास्ता मिला जिसमें गाड़ी 60-70 तक जा सके, क्योंकि क्लच दबा दबा के मैं बोर हो गया था और सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो अभी कोशिश करेंगे कि कहीं जाके रुक के खाने का, या फिर देखते हैं मूड पे डिपेंड करता है वो सब खाएंगे कि नहीं खाएंगे, क्योंकि बारिश का भी टेंशन है यार, बारिश आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा और मैं बारिश में राइड करना बिल्कुल नहीं चाहता। गाड़ी गई भोग में, ड्राइवर को दिखी नहीं होगी, घुसेड़ दिया होगा साइड में एकदम। कोई बात नहीं गाइस, होता है ये सब। जब हम सिर्फ भगा रहे हैं, एक तो निकले हम लोग लेट से, हनी तो बेचारा पीछे बोर हो गया, उसको बैठने का मन नहीं कर रहा है, बोल रहा भाई रोक रोक। यहां से जलंधर जा सकते हैं सीधा, ये देखो कितने सारे गाय। इतने सारे गाय गाइस देखो, सारे मेल है सारे के सारे। तो गाइस आप सब देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। यहाँ से पानीपत अभी 10 किलोमीटर जैसा रह गया है, पता नहीं 10 किलोमीटर अब कितने देर में पहुँचेंगे। तो गाइस फाइनली अभी हम ट्रैफिक से बाहर निकले इतने देर के बाद, यार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अभी भगवान कृपा से बस रास्ता अच्छा मिल जाए हम लोग को बिना ट्रैफिक वाला। तो गाइस ये अभी हमारा दूसरा टोल प्लाजा पड़ रहा है, अरे नारियल लेके याद आ गया यार बचपन का। तो अभी हम अपना दूसरा टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं।
तो गाइस यहाँ से अंबाला कैंट अभी 15 किलोमीटर है, सिटी शायद कितना है भाई, सिटी तो नहीं दिख रहा, सिटी का तो नहीं लिखा है, बट कैंट 15 किलोमीटर है, जलंधर 190 लिखा था शायद, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो चंडीगढ़ शायद अभी 100 किलोमीटर के आसपास होगा यार, समथिंग 100। तो गाइज आ गए हम अंबाला, अभी हम फ्लाईओवर से जा रहे हैं, ये सीधा रास्ता जा रहा है जलंधर की तरफ, मतलब चंडीगढ़ की तरफ, और नीचे ये पूरा अंबाला है, नीचे जो पूरे सिटी वगैरह है, थोड़ा आगे जाके दिखाता हूँ आपको, ये पूरा अंबाला, ये अंबाला स्टेशन है इस तरफ, ये जो आपको दिख रहा है रेलवे स्टेशन अंबाला कैंट लिखा हुआ है। यहाँ मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त रहता है, बहुत ही अच्छा, मतलब दोस्त कम भाई है यार, दोस्त नहीं है वो, भाई है, मेरी जान है वो, तो उसका घर इधर ही है। तो फाइनली गाइस अभी हमने अंबाला क्रॉस किया और अभी चंडीगढ़ पहुंचना है जल्दी से जल्दी, और उसके बाद सीधा कसौली। अभी धीरे धीरे ठंडा लग रहा है गाइस, क्योंकि ठंडा बढ़ गया, और मेरे पीछे देखो, ये देखो BMW आ रही है, एक भैया है वो देखो तगड़े भगा रहे हैं भैया। अभी गाइस शायद हम चंडीगढ़ घुसने वाले हैं, इसलिए सब कुछ पंजाबी में लिखना आने लग गई है। तो गाइस शिमला चंडीगढ़ मनाली के लिए आगे जाना है, और डेरावसी के लिए लेफ्ट। वो देखो गाइस हमारे पहाड़ आने लग गए, तो गाइस ये देखो अमीरों की कॉफी की दुकान स्टारबक्स, मैं तो एक्चुअली कुछ नहीं पीता यार, ना चाय ना कॉफ़ी, बॉर्नविटा पीता है अपन। वो देखो गाइस प्लेन उड़ के जा रहा है, ये चंडीगढ़ है गाइस, डैम सियोर, इतनी अच्छी सिटी है ये तो चंडीगढ़ ही होगी। गाइस बहुत लंबा जाम है, अभी हमको इस ब्रिज से नीचे जाना है, फिर वहाँ से यू टर्न लेके राइट जाना है। ब्रिज से हम नीचे आ चुके हैं, अभी थोड़ा आगे जाके हमको राइट टर्न लेना है, और उसके बाद सीधा हम कसौली वाले रूट पे आ जाएंगे। यार चंडीगढ़ में भीड़ बहुत है, फाइनली हम आ गए कसौली वाले रास्ते पे, अब यहाँ से सीधा हमको कसौली जाना है। शिमला, कालका, बल्तना, व्यू देखो आप सब, क्या तगड़ा व्यू है, और हम शायद अभी थोड़ी दूर है और कसौली से, अभी तक कसौली का बोर्ड नहीं दिखा यार, जहाँ लिखा हो कि कसौली इतना किलोमीटर, शिमला वगैरह दिख गए बट कसौली नहीं दिख रहा, सुकून आएगा थोड़ा यार, थोड़ा दिखेगा तो। यार कितना सुंदर लग रहा है गाइस पहाड़ देखो, तो गाइस शिमला वाली रूट में ये हमारा पहला टोल पड़ रहा है,
हिमालयन एक्सप्रेसवे। ये देखो गाइस इसके साथ चूतियापा हो गया बहन का चूतियों जैसे चला रहा होगा, चल गया भोग में। गालियां कैसे दे रहा था? गाली भैया मेरा मुंह गाली कर गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कर क्या रहा है? अभी गाइस हम पेट्रोल भरेंगे क्योंकि ऊपर पेट्रोल मिले ना मिले भगवान जाने। पेट्रोल नहीं है अंकल जी? तो गाइस पेट्रोल नहीं है, यहीं से धोखा होना शुरू हो गया गाइस। आगे क्या होता है पता नहीं, चलो देखते हैं। तो गाइस शायद से अभी पहाड़ की चढ़ाई आ चुकी है, वो देखो यार क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है वो देख रहे हो, गाड़ी सब पहाड़ों में चढ़ रही है, हम भी चढ़ेंगे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। सोलन 42 किलोमीटर, शिमला 89। कैला बहुत दुनिया लगी से बे। यार व्यू देखो भाई व्यू, कत सुंदर लगे भाई, कत सुंदर सत्य फिदा हो गेलाम। सेरा लगे सेरा। तो गाइस शिमला के लिए सीधा जाना है हम लोगों को, बट हमको शिमला नहीं जाना है कसौली जाना है, तो हम सीधा जाके राइट टर्न ले लेंगे और दिल्ली के लिए लेफ्ट। तो गाइस इधर आके हम रुके हैं, थोड़ा पिछवाड़ा दर्द हो गया था, पिछवाड़े को आराम देने के लिए ये रही हमारी गाड़ी। ये देखो व्यूज, और ये देखो मेरा दोस्त हनी, हनी हाई कर दे भाई। व्यू देखो गाइस, बस व्यू। तो गाइस जर्नी स्टार्ट हो गई है फिर से, अभी हमको पेट्रोल पंप चाहिए यार, पेट्रोल नहीं मिलेगा तो चूतिया कट जाएगा गंदा वाला, वो भी क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। अभी किसी ने बताया हम लोगों को कि थोड़ा सा ऊपर ही है टर्न में, बट मैप में तो शो नहीं कर रहा है। देखो गाइस कैसे पत्थर गिरते हैं पहाड़ से। फ्रीडम फाउंडेशन, ये क्या है भाई, नशा मुक्त केंद्र। तो गाइस अभी पेट्रोल भर रहे हैं, 900 कर दो भैया, पूरा पूरा ऊपर तक भर दो, जितना जाए भर दो। तो गाइस टैंकी फुल कर ली हमने पेट्रोल पंप से, अब कहीं रुकना नहीं है, अब सीधा हम लोग कसौली में रुकेंगे। आई लव हिमाचल, वो देखो लिखा हुआ है, वो देखो गाइस वो देखो।
मेरे फ्रेंड को भी ठंड लग रही है, बता रहा है भाई ठंड लग रही है। ठंड तो मेरे को तब से लग रही है यार। मोदी जी यार कितना अच्छा लगता होगा ना जिनका घर इन पहाड़ों में होगा। तो गाइस अभी यहाँ से कसौली 18 किलोमीटर समथिंग रह गया है, हम कहाँ पे हैं मुझे नहीं पता, कुछ कोटी करके मैं लास्ट पढ़ा था, समथिंग कोटी समथिंग। जाबली गाइस क्या लग रहा है यार देखने में। सच बता रहा हूँ यार यहाँ बाइक चलाने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा। पर क्या हो गया इसको, कसम से यार यहाँ बाइक चला के जो फील आ रहा है ना गाइस बहुत ही बढ़िया। सिर्फ सांप जैसे ऐसे 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 ऐसे। तो गाइस ये देखो जब बारिश आई थी अभी एक दो महीने पहले हिमाचल का क्या हाल हो रखा था। लिटरली यार ये सब देख के बहुत डर लगता है। मेरी मम्मी देख लेगी एक बार ये सब तो फिर तो आने ही नहीं देगी कभी। पहले ही बोलेगी आज जीते लागे ना बारून को देखिलाम जाबी ना हमार कथा सुनिस ना चले गली के बार आज जीते देवो ना यही बोलेगी सबसे पहले। तो गाइस फाइनली हमको बोर्ड दिखा कसौली का, यहाँ से जाना है अभी हमको ऊपर। आ गए हम कसौली में, कसौली में, कसौली में। कितना तगड़ा व्यू है ये देखो गाइस। और ये रही यहाँ मैगी वाले बैठे हैं, मैगी खाने का मन तो है बट अभी टाइम नहीं है, लेट हो रखा है। निकलते हैं गाइस अब यहाँ से। अपन लोग लेट हो गए गाइस इसलिए रुकेंगे नहीं अभी कहीं भी। हिमाचल टूरिज्म गाइस की लाचे गाइस व्यू देखो आप सब। बस यार मैं तो कहूँगा आप लोग भी आओ यहाँ घूमने, ज़रूर आओ यार ज़रूर। और जो लोकल है यहाँ के दिल्ली चंडीगढ़ वगैरह के, अगर उन तक मेरी वीडियो किस्मत से पहुँच गई तो वो लोग भी देखो और ज़रूर आओ। वो लोग तो आए होंगे यार, चंडीगढ़ वाले तो ज़रूर आए होंगे बट तो दिल्ली वाले भी आओ यार जो नहीं आए। बाकी आने का मन तो सबका रहता है यार, बस पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। एज होता है उसके बाद तो आ ही पाओगे। कसौली 8 किलोमीटर।
यार मतलब 8 किलोमीटर ऐसे पहाड़ों में मैं टेढ़ा मेढ़ा चलाऊंगा? सही है यार। यार देखो ये गाड़ी चल रही है पहाड़ में, कितना बढ़िया लग रहा है यार देखने में। देखो गाइस नंबर लिखा हुआ है इसका, कॉन्टैक्ट फॉर मैरिज एंड टूर पार्टी के लिए, तो किसी को ये सब करना हो तो नंबर दिख रहा है, कॉल कर लेना। ये मेरा पहला प्रमोशन वीडियो है, मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ बिना पैसे लिए। और व्यू, मैं इतनी बार इस वीडियो में बोल चुका हूँ कि व्यू देखो गाइस, व्यू देखो गाइस, बहुत कोई इरिटेट हो चुके होंगे। कोई नहीं, अभी नया नया ब्लॉगर हूँ मैं, धीरे धीरे प्रो हो जाऊँगा। भाई लिखा हुआ है ब्लैक स्पॉट, ड्राइव स्लो, धीरे चलाओ, धीरे चलाएंगे हम गाड़ी। हाँ भाई ये बात सही लिखा है भाई। आ गई कसौली। तो इधर एक सीन हो रखा है कि होटल वगैरह बहुत महंगे हैं, 3,000, 4,000, 5,000, उससे कम में है नहीं, और अपना बजट 1,000-1,200 जितना। तो अभी वो बोले कि मार्केट में जाओ, उधर से राइट टर्न लो, बाइक पार्किंग करो, फिर उधर जाके शिव होटल करके कुछ है समथिंग कुछ नाम, वहाँ जाके देख के आओ। तो अभी हम जाएंगे वहीं पे, देख के आते हैं। यार सच में रास्ता बहुत डेंजर है, इधर चलाने में फट जा रही है कसम से यार, रास्ता बहुत ही खतरनाक है। स्कूटी वगैरह तो देखो आ ही नहीं रही है ऊपर। यहाँ से जाना है हमको। तो गाइस बाइक इधर पार्किंग करके हम लोग अभी नीचे जा रहे होटल वगैरह देखने के लिए, क्योंकि इधर बजट में नहीं आ रहा है, इधर भी बड़े महंगे हैं। तो गाइस हमें रूम मिल गया अपने बजट में, ज़्यादा अच्छा रूम नहीं है, ठीक ठाक है, 900 रुपये लिया इसका। तो गाइज मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो पे, लव यू ऑल गाइज, ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे।